Hi student, this is Amit Singh. I'm an English faculty. I have been teaching English for past 10 years. I'm here to explain you about the lesson of class 12, Flamingo Indigo. I personally believe that many of my students have told me that they find a little bit tough to understand this lesson. But I'm going to try to make it easier and comfortable for you guys in an entertaining way. Okay? So just understand, try to understand this one. Here, I here stand for Louis Fisher. He said, when I first visited Gandhi in 1942, in his ashram, which was situated in Sevagram, गांधी जो सेंट्रल इंडिया में था, गांधी जी ने मुझको कहा भी मैं तुमको बताऊंगा मैंने कब डिसाइड किया था कि मैं ब्रिटिशर्स को अपनी कंट्री से डिपार्ट करूंगा, कब मैंने उनको फोर्सफुली रिक्वेस्ट किया था. हियर द वर्ड इज कमिंग अर्ज, दैट इज फोर्सफुली रिक्वेस्ट. गांधी जी डिसाइडेड दिस इन 1917 और गांधी जी ने इसको लुई फिशर को बताया इसके बारे में 1942 में. गांधी जी तब गए हुए थे दिसंबर 1916 के एनुअल कन्वेंशन कांग्रेस पार्टी के सेशन के अंदर, विच इज इन लखनऊ. गांधी जी कहते हैं वहाँ पर 2300 मन डेलीगेट्स थे और बड़े सारे विजिटर्स आए हुए थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी रिमेंबर करते हुए कहते हैं, एक पेजेंट आया मेरे पास लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमेसिएटेड. इमेसिएटेड मीन्स इज हंग्री. उसने आकर कहा भी, अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, मैं चंपारण से आया हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट. अब गांधी जी ने इस जगह का कभी नाम नहीं सुना था. इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयस नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट चंपारण पेजेंट्स जो थे ना, वो शेयर क्रॉपर्स थे और राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था. ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट. रिजोल्यूट मीन्स इज डिटरमिंड. ओके, ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन. वो कांग्रेस सेशन में आया था कंप्लेंट करने के लिए अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार. और शायद किसी ने उसको कहा था कि भैया गांधी जी से बात करो. गांधी जी ने शुक्ला को कहा भी, देख मेरी अपॉइंटमेंट है कानपुर में एंड मैंने कमिट किया हुआ है टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया टू. शुक्ला उनके पीछे पीछे. देन गांधी रिटर्न टू इज आश्रम नियर अहमदाबाद, शुक्ला वहां भी उनके पीछे. फॉर वीक्स उसने गांधी जी को छोड़ा नहीं. फिक्स रेट ही वॉज जस्ट बैगिंग. Impressed by sharecropper's tenacity. Tenacity means is perseverance, or in other words, you guys can write down determination. Uski story aur tenacity se impressed hokar Gandhi ji ne kaha bhi, dekho, I have to be in Calcutta on such and such a date. Is date ke aas paas mereko Calcutta aana hai. Come and meet me and take me from there. Months passed. Shukla was sitting on his haunches. Haunches means is bumps. Okay. Shukla apne bumps par baitha hua tha at appointed spot in Calcutta jab Gandhi wahan aaye. Then the two of दोनों ने ट्रेन पकड़ी फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार. शुक्ला उनको लेकर गया राजेंद्र प्रसाद के घर, who later became the Prime Minister of India as well as Congress. राजेंद्र प्रसाद उन दिनों ना टाउन से बाहर थे, लेकिन सर्वेंट्स जानते थे कि शुक्ला एक पुअर फार्मर है. ह्यूमन वर्ड इज गिवन इन योर बुक, दैट मीन्स इज फार्मर. ओके, उसको जानते थे कि एक वो ह्यूमन है. सो दे लेट हिम स्टे. सॉरी, शुक्ला इज अ पुअर ह्यूमन हु पेस्टेड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स. पेस्टेड मीन्स होता है टू अनॉय समबडी बाय आस्किंग फेवर अगेन एंड अगेन. किसी को गुस्सा दिलवाना बार बार फेवर मांगकर. सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड. ही बिलोंग टू द लो कास्ट. तो उन्होंने उसको कहा भी कि तुम इस जगह जाकर बैठ जाओ साइड में. उन्होंने गांधी जी को भी कहा, सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन गांधी. उन्होंने गांधी को भी पेजेंट समझा था, लेकिन उन्होंने गांधी को परमिशन नहीं दी कि वेल में से पानी निकालो, कि कहीं उनकी बकेट में से कुछ ड्रॉप वेल में गिर गए तो पूरा का पूरा सोर्स जो है वो पॉल्यूट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम. कहते उनको पता भी कैसे चलता कि गांधी अनटचेबल नहीं है. अब इसके बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो पहले जाएंगे मुजफ्फरपुर, विच वॉज ऑन द वे टू चंपारण, एंड रूट मीन्स इज ऑन द वे. To obtain more complete information about the condition which Shukla was capable of providing, imparting means is providing. अब इस एपिसोड में इन्वॉल्व होने से पहले गांधी जी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि पहले मैं मुजफ्फरपुर जाऊंगा. शुक्ला ने जो दी इन्फॉर्मेशन दैट वॉज क्वाइट गुड इनफ, बट ही वॉन्टेड टू गेट सम मोर. अकॉर्डिंगली उन्होंने टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर जे बी कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर. उनसे गांधी जी की फर्स्ट मीटिंग हुई थी टैगोर के शांति निकेतन स्कूल के अंदर. ट्रेन वहां पहुंची मिडनाइट 15 अप्रैल 1917 को. कृपलानी वहां स्टेशन पर वेट कर रहे थे लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ.
गांधी जी ने वहां स्टे किया 2 दिन के लिए प्रोफेसर मलकानी के घर में, जो टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। जस्ट रिमेम्बर, उन्होंने टेलीग्राम किया कृपलानी को और स्टे किया मलकानी के पास। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंट करते हैं, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। हार्बर मीन्स होता है शेल्टर, कि गवर्नमेंट प्रोफेसर ने मेरे को अपने घर में शेल्टर दिया। वाई? बिकॉज इन स्मॉलर लोकेलिटीज इंडियंस जो थे ना, दे वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल्स। होम रूल्स मीन्स यू कैन से इन इजी लैंग्वेज के फ्रीडम फाइटर के साथ सपोर्ट नहीं दिखाते थे। अब जो न्यूज़ थी ना गांधी जी के अराइवल की, एडवेंट मीन्स इज अराइवल, गांधी जी के अराइवल की जो न्यूज़ थी और उनके आने का जो मिशन का नेचर था, क्विकली स्प्रेड हुआ थ्रू मुजफ्फरपुर एंड चंपारण। शेयर क्रॉपर्स जो थे अराइविंग ऑन फूट एंड बाय कन्वेंस, कन्वेंस मीन्स इज देयर बुलक कार्ट, सके टू सी देयर चैंपियन के हमारी हेल्प करने कौन आया है। मुजफ्फरपुर के लॉयर जो थे ना, वो भी आए गांधी जी से मिलने के लिए, क्योंकि ये लोग फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंट करते थे पेजेंट को ग्रुप में कोर्ट में। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। उन्होंने आकर गांधी जी को इनका बताया कि इनका केसेस का जो स्टेटस है कोर्ट के अंदर ये है और दिस मच फी वी आर चार्जिंग। गांधी जी गेट वेरी एंग्री, शाइडेड मीन्स इज स्कोल्डेड, डांटा गांधी जी ने लॉयर को कि भाई तुम इतने पुअर शेयर क्रॉपर से इतनी ज़्यादा फी चार्ज कर रहे हो। गांधी जी ने कहा भाई मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि हमको लॉ कोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए। वाई? बिकॉज लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। रीजन वॉज दिस एग्जैक्टली, टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड। वो कहते थे ऐसे केसेस को कोर्ट में लेके जाने का बड़ा कम फायदा है। क्यों? क्योंकि पेजेंट्स जो है वो क्रश्ड हैं, फियर स्ट्रिकन हैं। रियल रिलीफ क्या होगा कि पेजेंट्स को ब्रिटिशर्स के फियर से फ्री करवा दिया जाए। तो उस टाइम हो क्या रहा था, मोस्ट ऑफ द कल्टीवेबल लैंड, एरेबल मीन्स इज कल्टीवेबल, मोस्ट ऑफ द कल्टीवेबल लैंड जो था ना चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो डिवाइडेड था लार्ज एस्टेट में, ओन बाय इंग्लिश मैन एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट। उनके ओनर जो थे वो इंग्लिश मैन थे और इंडियन एज टेनेंट वहां पर काम करते थे। चीफ कमर्शियल क्रॉप इंडिगो था। लैंडलॉर्ड कंपेल करते थे सारे टेनेंट को जो इंडियन थे कि अपने जितना भी आपने लैंड लिया है ना, उसके 15% पर इंडिगो ग्रो करो और सारा का सारा जो हार्वेस्ट है उसको आप सबमिट कर दो ब्रिटिशर्स को। वाई? बिकॉज द प्राइस, द कमर्शियल प्राइस ऑफ द इंडिगो वॉज सो हाई। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, मेरे लंबे टाइम से ये चल रहा था। प्रेजेंटली क्या हुआ, लैंडलॉर्ड जो थे देवर इंग्लिश, ओके देवर ब्रिटिश, पढ़े लिखे थे वो। उनको पता चल गया जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। सिंथेटिक मीन्स होता है मैन मेड। तो दे रियलाइज दैट कि अब ये मैन मेड इंडिगो आ गया है तो इस नेचुरल इंडिगो का प्राइस जो है स्लैक कर जाएगा, नीचे आ जाएगा। सो दे आर द गेम, दे मेक अ गेम, ओके। उन्होंने गेम खेली इंडियंस के साथ। उन्होंने एक इंडियन को ना एक एग्रीमेंट ऑफर किया शेयर क्रॉपर्स को कि आप हमको एक कंपनसेशन दे दो फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम दिस 15% अरेंजमेंट। अगर आप इतना कंपनसेशन आप हमको दे देंगे तो आप लोग जो हो इस 15% अरेंजमेंट से टोटली फ्री हो जाओगे। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट जो था इरिटेटिंग तो था ही, अर्कसम मीन्स इज इरिटेटिंग, पेनफुल था पेजेंट के लिए। बड़े सारे उन्होंने विलिंगली साइन किए, दोज कुड पे द मनी, उन्होंने विलिंगली साइन किए ये सोचकर कि एक बार कंपनसेशन पे कर देंगे, इसके बाद सारा का सारा हार्वेस्ट जो है वो अपना होगा। दोज हु रेजिस्टेड, जो पे नहीं कर सकते थे वो लॉयर के पास गए और लैंडलॉर्ड हायर थग्स। थग्स मीन्स होता है बदमाश, रफियंस, इंग्लिश में उसको बोलते हैं रफियंस और हिंदी में उसको बोला जाता है बदमाश। उन्होंने बदमाशों को हायर किया मीनवाइल और उनसे जबरदस्ती साइन करवाए। मीनवाइल जो इंफॉर्मेशन थी ना सिंथेटिक इंडिगो की, उन पेजेंट को भी पता चल गई जिन्होंने विलिंगली साइन किया था। उन्होंने डिमांड किया ब्रिटिशर्स से, तुम लोगों ने हमसे चीट किया है, और दे डिमांडेड देयर मनी बैक। एट दिस टाइम गांधी जी पहुंचे चंपारण में। गांधी जी ने पहले फैक्ट्स इकट्ठे करने शुरू किए। फर्स्ट उन्होंने विजिट किया सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास। सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट मैं तुमको इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा बिकॉज यू आर एन आउटसाइडर। तो गांधी जी ने उनको कहा भी भैया आई एम नॉट एन आउटसाइडर, यू पीपल आर आउटसाइडर, आई एम इन माई ओन कंट्री, मैं तो सिर्फ अपनी कंट्री में हूं। नेक्स्ट गांधी जी को मैसेज मिला ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन, जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था। गांधी जी रिपोर्ट करते हुए कहते हैं कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी, बुली मीन्स इज थ्रेटन, धमकाना, डराना धमकाना शुरू कर दिया और मेरे को एडवाइस दी टू लीव तिरहुत एट वंस। फोर्थविद मीन्स होता है एट वंस। अब गांधी तो गांधी थे, ओके, उन्होंने वो जगह नहीं छोड़ी। इंस्टेड वो चले गए मोतिहारी जो कैपिटल था चंपारण की।
सेवरल लॉयर्स उनके साथ थे। रेलवे स्टेशन पर गए, बड़े सारे लोगों ने गांधी जी को वेलकम किया। एक घर में गए, उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया एंड कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। तभी एक रिपोर्ट आई कि एक पेजेंट के साथ मिसबिहेव किया गया है नियर बाय विलेज में। मैल्ट्रेटेड मीन्स मिसबिहेव किया गया है नियर बाय विलेज में। गांधी ने डिसाइड किया कि मैं वहां जाकर उससे मिलूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिफेंट की बैक पर बैठे और चल पड़े उस तरफ। ज्यादा आगे नहीं गए थे कि पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर ने उनको ओवरटेक किया एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, के आप टाउन वापस चलो इन हिज कैरेज, गाड़ी के अंदर बैठ के। गांधी कंप्लाइड, कंप्लाइड मीन्स इज ओबे। गांधी जी ने इस ऑर्डर को ओबे किया। मैसेंजर गांधी जी को अपनी गाड़ी में लेकर गया, उनके घर ड्रॉप किया और जाते एक ऑफिशियल नोटिस उनके हाथ में पकड़ा दिया टू क्विट चंपारण इमीजिएटली। गांधी जी ने रिसीप्ट के ऊपर साइन कर दिया, अभी देखो मैं इसको एक्सेप्ट तो कर रहा हूं बट मैं फॉलो नहीं करूंगा, आई वुड डिसओबे द ऑर्डर। एज अ रिजल्ट गांधी जी को रिसीव्ड समन, गांधी जी को समन मिला। समन इज ऑफिशियल गवर्नमेंट नोटिस होता है टू अपियर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। सारी रात गांधी जागते रहे। उन्होंने टेलीग्राम किया राजेंद्र प्रसाद को टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, बिकॉज वो जानते थे कि अब कोर्ट के अंदर लॉयर की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने टेलीग्राम किया राजेंद्र प्रसाद को, पूरी इंस्ट्रक्शंस भेजी आश्रम में कि अगर मेरे को ये जेल में डाल देंगे मेरे पीछे ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, एंड वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय हु वाज ब्रिटिशर जस्ट टू नोटिफाई हिम व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हियर। Morning found the town of Motihari Blackwood present. Blackwood present means so many supporters reached over there. उन लोगों को गांधी जी का ना रैकेट नहीं पता था व्हाट ही डिड इन साउथ अफ्रीका, कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया है। बस उन्होंने इतना सुना था कि एक महात्मा उनकी हेल्प करना चाहते हैं और अथॉरिटीज ने उनको ट्रबल में डाला हुआ है। This spontaneous demonstration in house and around the courthouse. Spontaneous means होता है happening suddenly. That was the first time when Indians were protesting against the Britishers. Earlier, what was happening exactly? What if the rules Britishers were making that Indians were blindly following that? They didn't have courage to show any kind of protest. So, कोई protest नहीं करते थे। तो उनका जो spontaneous demonstration था ना, thousand around the courthouse, ये दिखा रहा था कि Indians जो हैं वो Britishers के फेर से liberate हो रहे हैं। Officials today will be powerless without Gandhi's cooperation. When they saw that thousands of people were standing outside there, they were powerless because they were not prepared. अब गांधी जी ने ब्रिटिशर्स की हेल्प करी क्राउड को रेगुलेट करने में, क्राउड को कंट्रोल करने में। गांधी जी वाज पोलाइट एंड फ्रेंडली। उन्होंने ब्रिटिशर्स को सॉलिड प्रूफ दिया था, कॉन्क्रीट मींस इज सॉलिड। उन्होंने ब्रिटिशर्स को सॉलिड प्रूफ दिया था देयर माइट की थर्ड टू ड्रेड इट। माइट मींस इज पावर। Hitherto means so far, कि ब्रिटिशर्स की जो पावर सो फार ग्रेडेड और अनक्वेश्चन है, अब इंडियंस उसको चैलेंज कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट भी कंफ्यूज हो गई। नेक्स्ट वर्ड इज बैफल, बैफल मींस इज कंफ्यूज्ड। गवर्नमेंट भी कंफ्यूज थी। प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जजेस, प्रोसिक्यूटर मींस इज गवर्नमेंट लॉयर। गवर्नमेंट के जो लॉयर थे ना, उन्होंने जज से रिक्वेस्ट किया टू पोस्टपोन द ट्रायल, बिकॉज ऐसा लगता था अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, वो अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहते थे कि व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट शुड बी गिवन टू गांधी। गांधी जी ने इस डिले का प्रोटेस्ट किया। उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ी, उन्होंने अपने आप को गिल्टी कहा। उन्होंने कोर्ट में कहा ही वाज इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, मेरे अंदर ना ड्यूटीज की कहते लड़ाई चल रही थी। On the one hand, कहते मैं बैड एग्जाम्पल नहीं बनना चाहता था लॉ ब्रेकर का, ऊपर लॉ तोड़ा था ना इसी पेज के फर्स्ट पैराग्राफ में जब उनको ऑर्डर मिला था कि आप जगह ये छोड़कर जाओ, तो वो नहीं गए थे वहां से। कहते हैं ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, ऑन द अदर हैंड टू प्रोवाइड द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। रेंडर मींस इज प्रोवाइड। गांधी जी ने कहा यहां पर मैं प्रोवाइड करने आया हूं ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस फॉर व्हिच ही हैड कम। कहते हैं यहाँ से जो जाने का ऑर्डर था उसको डिसरिगार्ड किया, इसलिए नहीं कि मैं लॉफुल अथॉरिटी से कोई रिस्पेक्ट चाहता था, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ और बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस मींस होता है इनर सोल, अंतर आत्मा। उन्होंने कहा मैंने अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनी, उसने मेरे को कहा स्टे हियर एंड वर्क फॉर द कंट्री एंड कंट्रीमैन। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने कहा मेरे को पनिशमेंट दो। मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया कि अभी इस केस के ऊपर हम जजमेंट लेंगे 2 आवर्स के ब्रेक के बाद, और गांधी जी को इतनी देर में उन्होंने कहा कि आप इन 120 मिनट्स के अंदर बेल का अरेंज कर लो, बट गांधी जी ने इसको रिफ्यूज कर दिया। जज को एट लास्ट गांधी जी को छोड़ना पड़ा बिना बेल के। व्हेन द कोर्ट रीस्टार्टेड द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, के अभी कुछ दिन तक हम जजमेंट नहीं देंगे।
Meanwhile, उन्होंने गांधी जी को परमिशन दे दी टू रिमेन एट लिबर्टी कि जहां दिल चाहे आप जा सकते हो। अब लास्ट पेज पर गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम किया था ना, कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, तो वो सारे वहां आ गए। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिजकिशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर जो थे वो बिहार से आ गए। द कन्फर्ड विद गांधी, कन्फर्ड मीन्स इज कंसल्टेड, उन लोगों ने गांधी जी से कंसल्ट किया। अब गांधी जी ने उनसे पूछा भी, व्हाट वुड दे डू, तुम लोग क्या करोगे अगर ये मेरे को कल जेल में डाल देते हैं तो। सीनियर लॉयर ने कहा भी, दे हैड कम टू एडवाइस, हम आपकी एडवाइस लेने आए हैं, आपकी हेल्प करने आए हैं, अगर आप जेल चले गए यहां कोई भी नहीं होगा, हम अपने अपने घरों में चले जाएंगे। तो गांधी जी ने उनसे पूछा भी, व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर। लॉयर ने कहा भी, हमको थोड़ा टाइम दो कंसल्ट करने के लिए। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट, अपशॉट मीन्स द रिजल्ट ऑफ देयर कंसल्टेशन। लॉयर ने आपस में बैठ के सोचा, यार गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, फिर भी इन पुअर पेजेंट के लिए वो जेल जाने को तैयार है। दूसरी तरफ हम न सिर्फ इनके एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं बल्कि हम क्लेम करते हैं टू सर्व दीज पेजेंट्स, अगर हम अपने अपने घरों में चले गए इट वुड बी अ शेमफुल डिसीजन। तो ये डिसीजन मीन्स इज रन अवे इन अ शेमफुल मैनर, शर्मनाक तरीके से भागने जैसा हो जाता है। अकॉर्डिंगली वो गांधी जी के पास आए और उन्होंने आकर कहा भी, हम आपके पीछे जेल जाने को तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, गांधी वॉज सो हैप्पी दैट, वो खुशी से बोले कि अब हम बैटल ऑफ चंपारण जीत गए हैं। क्यों बोले, बिकॉज ही सॉ द यूनिटी अमंग्स द इंडियन, ही सॉ द सपोर्ट ऑफ एलीट क्लास फॉर द पुअर पेजेंट। तो उन्होंने खुशी में कहा कि बैटल ऑफ चंपारण हम जीत गए। उन्होंने पीस ऑफ पेपर लिया और ग्रुप बना दिए कि कल अगर ये मेरे को जेल में डालते हैं, सुबह तुम दो लोग जाकर सेल्फ अरेस्ट करवाओगे, एक घंटे के बाद तुम दो लोग जाओगे, एक घंटे के बाद तुम दो लोग जाओगे। सो लाइक ही मेड अ ग्रुप, दैट वाज हिज पॉलिसी, दैट वाज कॉल्ड जेल भरो आंदोलन, जेल में जा जाकर इनकी जेल्स को फिलअप कर दो, ऑटोमेटिकली दे विल लिसन टू आवर डिमांड। सेवरल डेज लेटर गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन मैसेज मिला मैजिस्ट्रेट से, जिसमें उनको इन्फॉर्म किया गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है प्रोविंस का, उसने ऑर्डर दिया है जो केस गांधी जी के ऊपर चल रहा था, लास्ट पेज पर था जो लास्ट पैराग्राफ में, उसको ड्रॉप किया जाता है। सिविल डिसऑबिडियंस को फर्स्ट टाइम इंडिया में विक्ट्री मिली थी। अब इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी और उनके जो लॉयर फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा भी, हम फार फ्लंग इंक्वायरी करेंगे कि क्या क्या पेन्स एंड सफरिंग है इन फार्मर्स के साथ। तो उन्होंने क्या किया, डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 पेजेंट्स वर रिटन, डिपोजिशंस मींस अ रिटन स्टेटमेंट, उन्होंने रिटन स्टेटमेंट में लिखवाया कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, नोट्स बनाए गए अदर एविडेंस के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए। पूरा एरिया जो था वो थ्रॉप कर रहा था विद द एक्टिविटीज ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, वेहमेंट मींस अ स्ट्रॉन्ग, जब लैंडलॉर्ड्स ने देखा एवरीथिंग वॉज गोइंग अगेंस्ट देम, They started protesting. तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन जून गांधी जी को समन मिला सर एडवर्ड गेट, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस टाइम पर इंडिया के आकर मिलो। बिफोर ही वेंट ही मेट दिस लीडिंग एसोसिएट्स, अब उनसे मिलने जाने से पहले ना गांधी जी अपने लीडिंग एसोसिएट से मिले। उन्होंने पूरा प्लान किया सिविल डिसऑबिडियंस का इफिशियंट रिटर्न, उनको था कि अगर ये मेरे को जेल में डाल देंगे मेरे पीछे ये स्टेप्स आप लोग फॉलो करोगे। गांधी हैड फोर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यू, प्रोट्रैक्टेड मीन्स होता है लॉन्ग, गांधी जी के काफी लंबे इंटरव्यू हुए विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। एज अ रिजल्ट उसने क्या किया, एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप कर दी इनटू इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन, इट वाज इन द फेवर ऑफ इंडियन। अब उस कमीशन में कौन कौन था, लैंडलॉर्ड, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट, पेजेंट की तरफ से सिर्फ गांधी जी थे। गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months, 7 months ऑन द ट्रॉट रहे और इसके बाद कई बार आते जाते रहे। विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द रिक्वेस्ट, गांधी जी वहां गए थे, एंट्रीटी मीन्स होता है रिक्वेस्ट एंड अनलेटर्ड मीन्स इज इलिटरेट। गांधी जी वहां कैजुअली गए थे उस राजकुमार शुक्ला जो इलिटरेट पेजेंट था उसकी रिक्वेस्ट पर, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये प्रॉब्लम कुछ दिनों में सॉल्व आउट हो जाएगी। बट इट वुड टेक क्वाइट लॉन्ग टाइम, गांधी जी का पूरा लाइफ का एक साल इस प्रॉब्लम में ले लिया। द ऑफिशियल इंक्वायरी ने असेंबल किया क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स।
एंड व्हेन दे सॉ, जब उन्होंने देखा, जब ब्रिटिश प्लांटर्स ने देखा सब कुछ उनके अगेंस्ट जा रहा है, वो मान गए भी कि हम इनके हमने जो पैसे दिए थे उस 15% अरेंजमेंट से फ्री करवाने के लिए हम वापस कर देते हैं, बट हाउ मच मस्ट वी पे, उन्होंने गांधी जी से पूछा। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे ना ब्रिटिशर्स के, उन्होंने सोचा गांधी वो डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी जो उन्होंने इलीगली और चीटफुली एक्सटॉर्ट करे हैं। डिसीटफुली मीन्स चीटफुली फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, लेकिन गांधी जी ने मांगे सिर्फ 50%। देयर ही सीम्ड डिटरमिंड, एडमेंट इज द वर्ड दैट मीन्स इज डिटरमिंड। गांधी जी इसके ऊपर डिटरमिंड लग रहे थे कि 50% से नीचे नहीं आएंगे। ये लिखते हैं जे जी हॉज, एक ब्रिटिश मिशनरी थे चंपारण में, जिन्होंने इस पूरे एपिसोड के ऊपर क्लोज निगाह रखी हुई थी अपनी। ही वॉज अ फादर इन चर्च, एग्जैक्टली यू कैन से इन सिंपल लैंग्वेज। थिंकिंग प्रोबेबली दैट कि गांधी जी 50% से नीचे नहीं आएंगे, फिर भी जो रिप्रेजेंटेटिव थे ना ब्रिटिशर्स के, उन्होंने बार्गेनिंग करी एक बार फिर से। कहते सर अगर हम 25% दें, एंड टू हिज अमेजमेंट गांधी जी ने उसकी बात को मान लिया एंड दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। डेडलॉक इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन व्हेन टू पार्टीज नेगोशिएट, जब दो पार्टीज नेगोशिएट करते हैं बट रिजल्ट इज नॉट कमिंग। They both want result, but the result is not coming. तो जो result नहीं आ रहा था ना, वो 25% पर break हो गया। इस settlement को adopt किया unanimously by the commission. Commission में इसको हर एक ने accept किया। गांधी जी ने explain किया कि amount of the refund है, उसकी importance कम है। Biggest thing is what exactly? सबसे बड़ी चीज क्या था कि landlord जो थे ना obliged to surrender part of the money, कुछ पैसे तो दिए दिए, with it part of their prestige. उनकी जो प्रेस्टीज थी वो नीचे आ गए। देयरफॉर एज फार एज द पेजेंट्स वर कंसर्न, जहां तक पेजेंट की बात है, प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड अबव द लॉ, जो प्लांटर्स थे ना अपने आप को लॉ से ऊपर भगवान समझते थे। नाउ द पेजेंट्स सॉ दैट कि उनके पास राइट्स हैं, डिफेंडर्स हैं, और गांधी जी ने इस एपिसोड से करेज को सीखा। इवेंट्स ने जस्टिफाई किया गांधी जी की पोजीशन को। विद इन अ फ्यू ईयर ब्रिटिश प्लांटर्स ने अपनी एस्टेट को अबेंडन कर दिया, खत्म कर दिया, और बाद में दे दी गई पेजेंट्स को। रिवर्टेड मीन्स इज टू रिटर्न बैक टू द पेजेंट, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो थी वो खत्म हो गई। सी इंडिगो शेयर क्रॉपिंग इज ओवर हियर, लास्ट टू पेजेस आर टोटली बिलोंग टू सम अदर चेंजेस व्हाट गांधी डिड ओवर देयर, और उनकी भी इक्वली इंपॉर्टेंस है। डोंट टेक देम लाइटली, इनको भी आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन लास्ट टू पेजेस से भी आते हैं और आ चुके हैं बोर्ड्स में। गांधी कभी सेटिस्फाइड नहीं होते थे, कंटेंटेड मीन्स इज सेटिस्फाइड। गांधी कभी सेटिस्फाइड नहीं होते थे लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन से। उन्होंने देखी कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, और वो कुछ करना चाहते थे इमीजिएटली। उन्होंने अपील करी टीचर्स से, तो टू उनके फॉलोअर्स बने थे महादेव देसाई और नरहरि पारेख, टू यंग मैन हु हैड जॉइंड गांधी एज हिज डिसाइपल। डिसाइपल मीन्स होता है फॉलोवर्स, एंड देयर वाइव्स, और अपनी वाइव्स के साथ आगे आए वो वॉलंटरी काम करने के लिए। और भी बड़े सारे लोग आए बॉम्बे, पुणे एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड। देवदास जो गांधी जी का यंगेस्ट सन था वो भी आया। मिसिस गांधी जो गांधी जी की वाइफ थी, ओके, वो भी आई। प्राइमरी स्कूल ओपन किए गए 6 विलेजेस के अंदर। कस्तूरबा जो की वाइफ थी, उन्होंने टॉट किया आश्रम रूल्स एंड पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, के अपनी सफाई और सोसाइटी की सफाई कैसे रखी जाती है। हेल्थ कंडीशन जो थी ना मिजरेबल थी, वेरी बैड स्टेट। गांधी जी को एक डॉक्टर मिला, उसने कहा कि 6 मंथ्स आपके लिए वॉलंटरी सर्विस करूंगा। 3 मेडिसिंस वर अवेलेबल ओनली एट दैट टाइम, एंड दे वर कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑयंटमेंट। कोई भी अपनी कोटेड टंग दिखाता था ना, गंदी टंग जिसको बुखार हो जाता था, उसको दे देते थे ये डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। किसी को मलेरिया फीवर होता था, रिसीव क्विनीन प्लस कैस्टर ऑयल। किसी को स्किन इरप्शन होती थी, स्किन इरप्शन मींस फोर फ्रीक्वेंसी, उसको दे देते थे ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। गांधी जी ने नोटिस किया कि वुमेन के कपड़ों की हालत बड़ी गंदी है, फिल्दी मींस बैड स्टेट में थी। उन्होंने अपनी वाइफ कस्तूरबा से कहा, भाई इन वुमेन से बात करो, इनको बताओ कि पर्सनल क्लीनलीनेस कैसे रखी जाती है, साफ सफाई कैसे रखी जाती है। एक वुमेन उनकी वाइफ को अपनी हट में ले गई और जाकर कहती है, जी देखो लुक, देयर इज नो कबर्ड, मेरे पास कोई कबर्ड नहीं है क्लोथ रखने के लिए, एक यही साड़ी है जो मैं वॉश करती हूँ, यही पहनती हूँ। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण काफी देर रहे थे वो, गांधी जी ने लॉन्ग डिस्टेंस वॉच रखा अपने आश्रम पर। आश्रम वॉज इन गुजरात, okay, and he was in Bihar. At that time, there was no cell phone, no landline phone.
ही सेड रेगुलर इंस्ट्रक्शंस भेजते थे मेल, मेल मींस इज पोस्ट, पोस्ट के थ्रू रेगुलर इंस्ट्रक्शंस भेजते थे एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट. पूरा फाइनेंशियल अकाउंट उन्होंने बाय पोस्ट मैनेज किया हुआ था. एक बार उन्होंने रेजिडेंट्स को लिखा कि टाइम आ गया है टू फिल इन द ओल्ड लेफ्ट ट्रेंचेस. ट्रेंचेस मींस द डिशेस, गड्ढे, सेप्टिक टैंक. अर्लियर पीपल यूज्ड टू शिट और उसमें शिट फेंक दिया करते थे गड्ढों में. गांधी जी ने कहा कि ये जो ओल्ड लेफ्ट ट्रेंचेस हैं इनको फिल अप कर दो और नए को डिग वन करो, नए वाले खोदो, नहीं तो इनमें से बैड स्मेल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी. चंपारण एपिसोड जो था ना, टर्निंग पॉइंट था गांधी जी की लाइफ में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है. टर्निंग पॉइंट था गांधी जी की लाइफ में. वो कहते मैंने क्या किया, वेरी ऑर्डिनरी थिंग, मैंने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश मेरी कंट्री में मेरे को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं. बट चंपारण डिड बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस. डिफेंस मींस इज डिसओबे. ये गांधी जी कहते हैं ये कोई एक्ट नहीं था डिसओबे करने का. इट ड्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट. ये तो एक कोशिश थी कि लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल की पेन एंड सफरिंग को रिड्यूस किया जाए. एलिवेट मींस इज रिड्यूस. ये गांधी जी का टिपिकल पैटर्न था. उनकी पॉलिटिक्स जो थी ना इंटरवाइंड थी, जुड़ी हुई थी डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियंस, नॉट लाइक टुडेस पॉलिटिशियंस. उनको कहते थे मेरी जो पॉलिटिक्स है इट्स अ पॉलिटिक्स ऑफ आइडियाज, एब्स्ट्रैक्शन. इट इज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन. सॉरी, वो कहते थे मेरी जो पॉलिटिक्स है वो एब्स्ट्रैक्शन की पॉलिटिक्स नहीं है, आइडियाज की पॉलिटिक्स नहीं है. इट वाज द लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग्स. उनकी जो पॉलिटिक्स थी लिविंग ह्यूमन बीइंग्स की प्रॉब्लम के साथ कनेक्टेड थी. इन एवरीथिंग गांधी डिड, कहते हैं उन्होंने जो भी किया ना गांधी जी ने, उन्होंने ट्राई किया कि ऐसे इंडियन को मोल्ड किया जाए जो अपने पांव पर खड़ा हो और इंडिया को फ्री करवा पाए. अर्ली इन द चंपारण एक्शन सीएफ एंड्रयूज, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू, एक इंग्लिश पैसिफिस्ट था. पैसिफिस्ट मींस दोज हू बिलीव इन पीस, जो शांति में बिलीव करते हैं. वो गांधी जी का एक डिवोटेड फॉलोअर बन गया. अब उसकी पोस्टिंग होगी फिजी आइलैंड में. ही वाज ब्रिटिश सर्वेंट, ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करता था. तो उसकी पोस्टिंग होगी फिजी आइलैंड में. अब वो गांधी जी से फेयरवेल लेने के लिए आया वहां पर. गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड थे ना, उन्होंने सोचा कि अच्छा आइडिया है किसी के फैमिली यहाँ रहे और हमारी हेल्प करे. मींस इज व्हाट एग्जैक्टली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ब्रिटिशर, इट्स अ ग्रेट एडवांटेज. ओके, वो भी रेडी था. वो भी कहता था कि मैं रुक जाऊंगा लेकिन जब गांधी कहेंगे तब रुकूंगा. लेकिन गांधी जी ने इस चीज को स्ट्रांगली अपोज किया. उन्होंने अपने फॉलोअर्स को क्या कहा कि तुम सोचते हो इस अनइक्वल फाइट के अंदर, व्हाई द फाइट इज अनइक्वल, बिकॉज ब्रिटिशर्स वर फुल ऑफ रिसोर्सेज एंड इंडियंस विद द फाइटर वर एट दैट टाइम टोटली रिसोर्सेलेस. कहते हैं कि इस अनइक्वल फाइट के अंदर अगर तुम सोचते हो कि एंड्रयू का रुकना यहाँ हमारी एक ग्रेट हेल्प होगी, इट इज नॉट राइट. ये तुम्हारे हार्ट की वीकनेस को दिखाता है. दिस ऑस्ट्रेलियन फाइटर दैट इज जस्ट मींस इज एप्रोप्रिएट. जिस कॉज के लिए हम फाइट कर रहे हैं वो जस्ट है और हमको डिपेंड करना चाहिए, रिलाय मींस डिपेंड करना चाहिए अपने आप पर टू विन द बैटल. यू शुड नॉट सीक सपोर्ट. प्रॉप मींस सपोर्ट. हमको सपोर्ट नहीं लेनी चाहिए मिस्टर एंड्रयूज में, बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन. अब राजेंद्र प्रसाद ने क्या कमेंट किया इसके ऊपर, गांधी जी ने हमारे माइंड को करेक्टली रीड कर लिया था. ओके, वी हैड नो रिप्लाई. इस तरीके से गांधी जी ने हमको लेसन सिखाया सेल्फ रिलायंस का. Self-reliance, Indian independence, and help to share problems were all bound together. So I hope you guys understood that one and enjoyed this and didn't feel bored too. Thank you very much. Thanks.